हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, आरपीएफ कांस्टेबल का और आपके आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2018-21 में जो एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, आरपीएफ, अरे यार पूरा लिखने दो, आरपीएफ एसआई का और आपके आरपीएफ एनटीपीसी, अरे सॉरी सॉरी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम लेता है, आरआरबी एनटीपीसी का और आपका ग्रुप डी का, इनके जो क्वेश्चंस हुए थे जो आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने प्राचीन इतिहास का एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए पूरा का पूरा आपका थ्योरी वाला सेक्शन मैंने कवर करवाया हुआ है, पूरा थ्योरी, और वो भी आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इन सारे एग्ज़ाम्स के साथ, सीएचएसएल सीजीएल एसएससी जीडी एमटीएस इन सारे क्वेश्चन को मैंने थ्योरी के साथ इतिका नाम कवर करवा दिया इस चैनल पर। आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले यूपीएसआई वाला में यूपीएसआई में जितने इतिका नाम प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन आए हुए थे उनको मैंने कवर करवा दिया है। और धीरे धीरे आप लोगों का जो कॉन्स्टेबल का अभी हाल ही में वो आया है, क्या कहते हैं, आंसर की आया है, ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, देखिए बाबू आप लोग इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, कहाँ आप लोगों की गलती हुई है, उन गलतियों को सुधारिए और उन गलतियों को सुधार कर उनको अच्छे से इतिका नाम वापस से इम्प्लीमेंट कीजिए कि उनका अब आगे से वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए एक छोटे भाई चाहे बड़े भाई वाली सलाह ही आप लोग समझ लीजिए, जिनका नंबर बन रहा है उनके लिए सलाह समझ लीजिए कि आप लोग जो है स्टेटस लगा रहे ना, भावी लेखपाल, मेरा इतना आ गया, मेरा उतना आ गया, अगर एक बार फिजिकल वन नहीं निकला ना, पूरे जीवन के लिए कितना इतिका नाम आसपास का समाज आपको जीने बेइज्जत करेगा आपको समझ नहीं आएगा। और दूसरी बात, आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सलाह ये है कि जिनका भी अच्छा खासा नंबर बन रहा है और तमाम कट ऑफ वो यूट्यूब पर बता रहे हैं, अगर उन कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो आप लोगों से सलाह है कि आप लोग पटीदार नाम का जो प्राणी होता है उससे उलझिएगा मत। पटीदार पटीदार तो क्या, और घर में भी कोई अगर है जो आपसे बहस करता है या आपसे किसी किस्म का इतिका नाम, बहसबाजी में किसी से भी पढ़िए मत, आप लोग अपने काम से मतलब रखिए, दौड़िए, अपना फिजिकल निकालिए, किसी से भी वाद विवाद के चक्कर में पड़िएगा मत, नहीं तो इस पॉइंट पे इस इति पहुंचने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, या मुकदमा मुकदमा हो गया, या किसी कारण वाद विवाद में आप पड़ गए, आपको पूरा जीवन इसका इतिका नाम मलाल रहेगा और पूरा जीवन आप किसी न किसी एग्ज़ाम के चक्कर में पड़ेंगे और उसमें सिलेक्शन होने में आपका ये बहुत पीछे से आपका बैक ऑफ द माइंड बहुत आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा किसी से उलझिए मत। अगर जिनका सिलेक्शन हो गया है वो ज़्यादा किसी से उलझे ना, उन्होंने सिलेक्शन नहीं हो गया है, जिनका इतिका नाम नंबर अच्छा खासा बन रहा है वो किसी से उलझे मत पटदारी में, चाहे वो इतनी घर में भी ना उलझे। और जिनका नहीं हुआ है वो आप लोग अपना दोबारा से तैयारी कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये आपका किस में आया हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल का ये पेपर है शिफ्ट वन का, 24 जनवरी 2019 में जो पेपर हुआ था। तो इनको कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में, बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है, ठीक है, नहीं तो कई बच्चे इतनी कमेंट के आदित्य भैया की आवाज़ नहीं, आदित्य भैया, आदित्य भैया मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन देख रहा है, मैं यहाँ पे जीएस आपका देख रहा, वो भी जीएस ये उन्हीं के लिए है कि जिनका प्रैक्टिस सेट के रूप में ये समझ लीजिए, ठीक है, कैंस की एमटीएस और जीडी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि इतनी का नाम आप में सूर्य भगवान पश्चिम से उगने लगेंगे, सूर्य भगवान सब इतनी सारे चाहे एग्ज़ाम हो आपको इंटीग्रेटेड रूप से तैयारी करना, सूर्य भगवान आपके पूर्व दिशा में आपके आरपीएफ कांस्टेबल के जीएस में भी निकलेंगे और सूर्य भगवान पूर्व दिशा में आपके इतिका नाम एमटीएस वाले एग्ज़ाम में भी निकलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में चाणक्य, नहीं ये तो राजनीति विज्ञान के जनक हैं, सुश्रुत, ये आपके शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और आपके चरक जो हैं इन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी हुई, चरक संहिता, चरक की बुक का नाम क्या है, चरक संहिता। और थोड़ा आप लोगों से मैं यहाँ पे माफ़ी मांगूंगा, ये जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सी फिर यहाँ पे बी हो गया डी हो गया, ये मैं जब कंपाइल कर रहा था तो पीडीएफ में तो अपने आप इतिका नाम जब सैमसंग नोट्स में आप कंपाइल करते हैं तो इधर उधर ऑप्शन उठा के कर देता, उसी वजह से ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, तो आप लोग ऑप्शन पर मत ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन कहाँ है, पहले ए है तो फिर उसके बाद डी दी गई या दे दिया गया, इस तरीके से थोड़ा दिक्कत हो गया है।
खैर चलिए, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट में आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। देखिए, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका अभय मुद्रा का अर्थ होता है कि निर्भीकता, ठीक है। अभय मुद्रा का अर्थ होता है निर्भीकता। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखिए आपके RPF कॉन्स्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो हर किसी से नहीं होते। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मतलब कि किसी और से भी नहीं हो रहा है। और आपको मैं ईमानदारी से बताऊँ तो अभय मुद्रा के बारे में मैंने भी बौद्ध धर्म में नहीं पढ़ा था, ठीक है। मैं खुद इसको बाद में इतनी जानकारी हुई कि अभय मुद्रा नाम की भी एक इतिका नाम चीज़ है। फिर देखिए, विनय और सुत्तपिटक इनमें से किन किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो विनय और सुत्तपिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, ठीक है। तीन पिटक है, सुत्तपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये आपका किसमें आया हुआ क्वेश्चन? RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप क्यों बनाए जाते थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, या बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए? तो स्मृति चिन्ह को बनाए रखने के लिए क्या बनाए जाते थे? स्तूप बनाए जाते थे। जब महात्मा बुद्ध मर गए, ठीक है, तो उनको शरीर के अवशेष जो थे उनको 8 हिस्सों में बांटा गया और उन 8 हिस्सों पर स्तूप का निर्माण करा गया था, ठीक है। फिर देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन अगला, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? प्रथम उपदेश, अंतिम उपदेश, जन्म या मृत्यु? तो धर्मचक्र किसको दर्शाता है? ये आपका प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था 5 साधुओं को, उनको उनके बारे में दिखाया बताता है। और गौतम बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक है वो क्या है? जन्म का प्रतीक है आपका सांड है और कमल है। जन्म का प्रतीक सांड एंड कमल है, ठीक है। और आपका इनका मृत्यु का प्रतीक अभी अभी मैंने बताया, मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है, स्तूप इनकी मृत्यु का प्रतीक है। फिर देखिए, 7वां नंबर, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? ए, एलोरा की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, बादामी गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, या अजंता की गुफाओं में? तो पद्मपाणि के जो चित्र है ये आपकी अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। और किसमें आया है? आपका RPF SI में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? बाघ, हाथी, शेर या गोल्डन ईगल? तो राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक आपका क्या था? गोल्डन ईगल। और मैंने इस राष्ट्रकूट वंश के बारे में आपको थ्योरी वाले पोर्शन में करवाया, जब SSC GD और MTS की क्लास में करवा रहा था। इसका संस्थापक कौन था राष्ट्रकूट वंश का? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर। और राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत, ठीक है। इन्होंने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। फिर देखिए, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, समाजशास्त्र, एक्वालॉजी या एपिग्राफी? तो शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो सही कालानुक्रम में इति व्यवस्थित करना है तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, ठीक है। और ये आपका किसमें आया हुआ क्वेश्चन है? ये आपका देखिए RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल, लोमड़ी, शेर या हिरण? तो आपका हड़प्पा सभ्यता की जो इतिका नाम मुहरे हैं उनके ऊपर बैलों का चिन्ह सबसे ज़्यादा मिलता था। और किसका किसका चिन्ह मिलता था? बाघ का चिन्ह मिलता है, गैंडे का चिन्ह मिलता है, और आपका भेड़ का मिलता है, और एक सिंगा हिरण। आप लोगों ने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, उसमें एक सिंगा हिरण का चित्र भी मिला था ना। फिर देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन आपका RPF कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और आपका अभी आपका कल जो मैंने डलवाया था UPSI वाला क्वेश्चन, उसमें भी आपका सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है। भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसको भारतीय नेपोलियन किसने कहा था समुद्रगुप्त को? आप इसको कहा था विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है। विंसेंट स्मिथ ने इसको भारतीय नेपोलियन कहा था। और इसकी विजयों का प्रमाण, समुद्रगुप्त की विजयों का प्रमाण कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से मिलता है, जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से किसके द्वारा ये लिखा गया है? हरिसेन के द्वारा। देखिए, अलग अलग एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो इससे ये होगा कि आपको अलग एग्ज़ाम का नॉलेज भी होगा। हो सकता है उस एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ ले, इसीलिए मैं लगातार इसको करवाता जा रहा हूँ। अब इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग मुझसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। थ्योरी वाले पोर्शन में उसको आपको MTS और GD के लिए आप GS का कौन सा सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं? अभी मैंने प्राचीन इतिहास कवर किया है, आप लोग कहेंगे तो मध्यकालीन इतिहास शुरू कर दूंगा, या आप लोग अगर कहेंगे तो क्या भूगोल शुरू कर दूंगा, चाहे विज्ञान शुरू कर दूंगा, जो भी आप लोग कहेंगे, पर्यावरण, आपकी मर्जी, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट बोलिएगा।
ठीक है। और मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं करूँगा, आप लोग पढ़ने में कंजूसी भी मत करिएगा। आप लोगों को अगर मेरा समझ में आए तो मेरा पढ़िएगा, न समझ में आए तो मोस्ट वेलकम, आप जहाँ आपको जहाँ समझ में आए, किताबों समझ में आए किताबों से पढ़िएगा, किसी और टीचर समझ में आए किसी और टीचर से पढ़िएगा। फिर देखिए आपका अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? पल्लव राजवंश का सिंह विष्णु, कृष्णा, नंदीवर्मन या महेंद्र वर्मन? तो पल्लव राजवंश का संस्थापक था आपका सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव राजवंश का संस्थापक। तो पल्लव वंश की राजधानी मैंने कहाँ बताया था थ्योरी वाले पोर्शन में? कांचीपुरम बताया था। और ये आपका आरपीएफ कॉन्स्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है? बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या जैन धर्म? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है, जैन धर्म के लिए। कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है आरपीएफ के। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक या दिव्यावधान? तो बुद्ध के सिद्धांत की बात कर रहा है, तो बुद्ध के सिद्धांत किस में? अभिधम पिटक में है, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, सुत पिटक जो है इसमें बुद्ध की शिक्षाएँ शामिल हैं, ठीक है। सुत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएँ शामिल हैं, बुद्ध की शिक्षाएं किसमें शामिल है? सुत्त पिटक में। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में आपका जो बौद्ध संघ के नियम जो हैं वो दिए गए हैं, संघ के नियम कि बौद्ध संघ में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए क्या नियम कायदा कानून है वो है, ठीक है, संघ के नियम दिए। अभिधम्म पिटक जो है इसमें आपके बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए हुए हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत किसमें दिए हुए? अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक को किसने संकलित किया था? आपका मोगलीपुत्र तिस्य ने। फिर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा? तो कि सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? आपका हड़प्पा है ना। कब खोजा गया था? ये आपका खोजा गया था 1921 में। चलिए इसको भी टीका नाम करवा देता हूँ, वैसे मैंने पूरा एकदम डिटेल में करवाया हुआ है एसएससी जीडी और एमटीएस वाली क्लास में। हड़प्पा की खोज 1921 में करी थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, और कालीबंगन की खोज किसने करी थी? बीबी लाल ने, बीबी लाल व बी के थापर, ठीक है। कहीं कहीं पर अमलानंद घोष लिखा हुआ है, तो अमलानंद घोष गलत है, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी से भी, दृष्टि आईएएस की जीके की बुक से भी कन्फर्म किया, कहीं पर भी अमलानंद घोष का नाम नहीं दिया है। कई बच्चे उस टाइम जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी बोल रहे थे कि अमलानंद घोष का नाम भाई मुझे कहीं मिला नहीं, इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर देखिए आपका 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, ये आपका राखलदास बनर्जी ने करी थी। और जो एनसीईआरटी में दिया रहेगा वही मैं मानूंगा, ठीक है। और दृष्टि आईएएस की बुक में भी सेम यही बातें लिखी हुई हैं, जो दृष्टि आईएएस जीके की बुक आती है। फिर उसके बाद लोथल में आपकी कब खोजा गया था? 1954 में, ठीक है। किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है, उसको किसने खोजा था? एस आर राव ने भोगवा नदी के किनारे है ये। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर। फिर देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो ये आपका चोल राजवंश से संबंधित है। इसमें आपका उत्तरामेर शिलालेख से चोलों की जो कर व्यवस्था थी और ग्राम व्यवस्था थी इसके बारे में पता चलता है। फिर देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021, जो पिछला एग्जाम हुआ था। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आप लोग बताइए? जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से, ठीक है। धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, और अभी हाल ही में धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और आपका एमटीएस वाले में पूछा भी था धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा आपका गुजरात में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का नाम किस अर्थ में मुर्दों का टीला है? तो मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो का नाम तो मुर्दों का टीला होता ही है, मगर ये किस भाषा में कहा गया है मुर्दों का टीला है? तो ये आपका सिंधी भाषा में कहा गया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से आपका क्या मिला? विशाल स्नानागार मिला। और किस नदी के किनारे है? ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रिक, जिस भी सभ्यता के पीछे आपका दड़ो व दिंजी लगे मिले, ठीक है, समझ लीजिए दड़ो, मोहनजोदड़ो या दिंजी, जैसे आपका कुट दीजी हो गया, ठीक है, दीजी लगे मिले, वो समझ लीजिए कि सिंधु नदी के किनारे ही है, ठीक है। ये आपका ट्रिक हो गया सिंधु किस नदी के किनारे याद करने का, जैसे कुट दीजी हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, इस तरीके का जो हो गया सुरकोतड़ो इस तरीके की जो दड़ो और दीजी लगी हुई है वो सिंधु नदी के किनारे ही होती हैं। फिर देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में अवध को किस उपनाम से जाना जाता था? तो अवध को जहाँ के राजा राम थे इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको कोसल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और आपका अभी यूपीएसआई वाला जो पिछला मैंने प्राचीन इतिहास के सारे क्वेश्चन एक जगह करवाए हैं उसमें मैंने बताया भी था,
देखिए कुल कितने जनपद थे, कुल 16 जनपद थे। 16 जनपद में से जो 8 जनपद थे वो आपके अकेले उत्तर प्रदेश में थे। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो ये आपका हर एग्जाम में, चाहे जीडी का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ ही देता है, गोपाल। ठीक है, इसको क्योंकि जनता ने इसको चुना था। ठीक है, ये अपने से इति युद्ध करके, चाहे अपने से इति नहीं आया था, गोपाल ने इति का नाम पाल वंश की स्थापना करी थी। और इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी मुंगेर। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो ब्रह्मा वेद के नाम से आपका अथर्ववेद को जाना जाता है। ये किस में आया हुआ? आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपके हर्षवर्धन हर्ष, ठीक है, वो हैं। फिर उसके बाद 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये आपका चोल राजवंश की उपलब्धि है। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने बनवाया था। फिर देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थांकर कौन है? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थांकर आपके 24वें तीर्थांकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ कौन से थे? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थांकर थे। ठीक है, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मैंने बताया था किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। जो सांची का स्तूप है उसके चारों तरफ वेदिका किसने बनवाई थी? पुष्यमित्र सुंग ने बनवाई थी। चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया? बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि जो फायान था वो किसके दरबार में आया हुआ था। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। फिर देखिए, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, तीर्थ, श्वेतांबर या बसादिश? तो जैन मठ के जो संस्थान हैं उनको बसादिश कहा जाता है। बताइए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि अक्सर वो इतिका नाम कई बच्चों को नहीं आएगा। अगर कोई एग्ज़ाम बैठते हैं क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब एग्ज़ाम से छूटने के तुरंत बाद चलेंगे और टीचर को इतिका नाम भर में ही गाली देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो मतलब कि ये क्वेश्चन टफ बनाया गया है, आपको नहीं आ रहा है मतलब किसी और को भी नहीं आ रहा है। इसमें आपको अपना इतिका नाम परिवार के संस्कारों का परिचय आके ऑनलाइन देने की ज़रूरत नहीं होती कि आपके परिवार के संस्कार कैसे हैं। किसी भी टीचर को आप लोग गाली मत दीजिए, किसी को कोई टीचर अगर जो इतिका नाम वो पढ़ता है फालतू की चीज़ों में तो उसके आप बहस में भी मत पड़िए। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, टीचर क्या किसी से भी बहस में मत पड़िए, सिलेक्शन लीजिए, अपना किनारे होइए। फिर देखिए अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त, ये तो मौर्य शासक था। बिंबिसार, ये आपका गुप्त शासक था कि नहीं था? अरे नहीं था भैया, ये गलत है। बिंबिसार ये आपका हरियक वंश का शासक था। अच्छा एक बात बताइए, बिंबिसार तो हरियक वंश का शासक था, बिंदुसार किस वंश का शासक था? अभी आप लोगों का कितने कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिंदुसार किस वंश का शासक था। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, पहला ऑप्शन ये हम लोगों का सही है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च जो संख्या काल में गंगा घाटी के जनपद में महाजनपद बन गए, कुल कितने जनपद ऐसे थे जो गंगा घाटी के इतिका नाम में उसमें महाजनपद बने थे? तो ये आपके 16, ठीक है, 16 जनपद थे वो गंगा घाटी में बने हुए थे। ठीक है, फिर देखिए, इस जो महाजनपद हैं 16 के 16 महाजनपद, उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? उनके बारे में जानकारी मिलती है हमें अंगुत्तर निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। और पुराणों से भी, पुराणों से देखिए एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, पुराणों से हमें 14 के बारे में जानकारी मिलती है, पुराणों में 14 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है। बार बार मैं अपना नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं, सर ये आपकी आवाज़ नहीं है, सर ये आपकी आवाज़ नहीं है। अरे सर की आवाज़ सुन के कहा लोरी सुनोगे? लोरी सुन के सोने का मन है? फिर देखिए अगला क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? पाटलिपुत्र, सारनाथ, मगध या वैशाली? तो आपका लुम्बिनी वैशाली में हुआ था। ठीक है, RRB NTPC का क्वेश्चन, मिलीपंदाहों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो मिलीपंदाहों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब आपका नागसेन ने दिया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, दूसरा तमिल संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तमिल संगमों के बारे में मैंने SSGD और MTS की थ्योरी वाली क्लास में मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। ये आपका
कापत्यपुरम, इसको कपाटपुरम भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर अगर कपाटपुरम लिखा मिले तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, वही चीज़ है, कापत्यपुरम या आपका कपाटपुरम, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। और पहला और तीसरा संगम जो हुआ था, कुल तीन संगम हुए थे, दूसरा संगम तो आपका कपाटपुरम में हुआ था, जो आपका पहला और तीसरा संगम हुआ था ये आपका मदुरै में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है, इटली, ग्रीस, पर्शिया या चीन। तो फाहियान कहाँ का निवासी था, चाइना का, ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है, ठीक है। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ, सुदोधन, चन्ना या कंथक। तो बुद्ध का बचपन का नाम बेसिकली पूछ रहा है, बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। और सुदोधन कौन थे, सुदोधन इनके बाप थे, पिता थे, सॉरी बाप नहीं कहना चाहिए, थोड़ा ठीक है। और चन्ना कौन था, चन्ना आप बताइए, इनका सारथी था, सारथी, सारथी का नाम चन्ना था। और कंथक किसका नाम था, कंथक था आपका घोड़ा, जिस घोड़े पर सवार होकर निकले थे उसका नाम कंथक था। सोचिए किस में आया हुआ है, आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है, ईसाई, पारसी, सिख या इस्लाम। तो जैन अवेस्ता आपका पारसी धर्म से संबंधित है, जैन अवेस्ता में ही आपका सिंधु को क्या बोला गया है, हिंदू बोला गया। और जो पंजाब वाला क्षेत्र है, जो सिंधु नदी से घिरा हुआ सप्त सिंधु क्षेत्र था, उसको क्या बोलते थे ये ईरानी, ये आपका बोलते थे हप्त हिंदू, हप्त स, क्योंकि ये स को ह बोला करते थे। पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से तीर्थांकर हैं। तो ये हम मैंने बताया था ना, 23वें तीर्थांकर हैं, ठीक है। इनके पिताजी जो थे वो काशी के राजा थे। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, अधि पर्याय सूत्र या अनाथ सूत्र या ब्रह्मा जल सूत्र। तो इसका आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, ठीक है। इसको अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है। अब सोचिए, ये कोई मास्टर आप बता ये कराया हो यूट्यूब पे या बताया हो, कोई नहीं बताया। मैं खुद अपनी जब थ्योरी वाली क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने खुद नहीं बताया था, ठीक है, मैं खुद नहीं बताया था, मगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप लोग उसको छोड़िए और आगे बढ़िए, ये नहीं हो पाएगा। अग्नि उपदेश के बारे में किसने बताया था, आप लोग एक मास्टर ढूंढ के हमको बता दीजिए। जब मैं खुद दावा कर रहा हूँ कि मैंने खुद नहीं बताया तो कोई और कहाँ से बताएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं सबसे टीका नाम मैं यूनिक हूँ, ठीक है। आप लोगों को टीका नाम किसी बात का गलत मतलब निकालने में काफ़ी देर नहीं लगता है। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था, गौतम बुद्ध, हेमचंद्र, नागार्जुन या अश्वघोष। तो ये आपका बुद्ध चरित्र जो है ये आपका अश्वघोष ने लिखा था, ठीक है। और ये नागार्जुन है, इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था, शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपका नागार्जुन ने किया था। और अश्वघोष के किसके दरबार में रहा करते थे, अश्वघोष ये रहा करते थे कनिष्क के दरबार में। आप लोगों को मैं इतनी जब पढ़ा रहा था थ्योरी तो उसमें बताया था ना, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसमें वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और कनिष्क के दरबार में अश्वघोष ने कौन सी एक बुक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, इंपॉर्टेंट बुक का नाम बताइए आप लोग। उस बुक का नाम था सौरदानंद काव्यम। क्या मैं लिखूँ, छोड़िए हटाइए, स्वर्दानंद काव्य में, वैसे आप लोग जान लीजिए। ये सब थ्योरी में कराई हुई चीज़ें, यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई तुक नहीं है। निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो संगम साहित्य का जो तीन संगम हुए थे उनमें ये संगमों का आयोजन हुआ था, तो इसमें आपका जो तुलाकपियम है ये आपका व्याकरण और काव्यशास्त्र ग्रंथ है, ठीक है। और जो ये बाकी के मणिमेखले हैं, मणिमेखले की रचना किसने करी थी, ये आपका चितलाई चतनार। और अक्सर एग्जाम में अब संगम साहित्य से पूछने लगा है, दक्षिण भारत की जो वंश हैं, प्रमुख वंश हैं, उनके बारे में पूछने लगा है। और शिल्पाधिकारम की रचना किसने करी थी, इसकी रचना करी थी इलांगो अधिगल ने इसकी रचना करी थी। जीवक चिंतामणि की रचना किसने करी थी, ये भी मैंने थ्योरी में बताया था, तिरुक्त देवर ने इसकी रचना करी थी। और ये सोचिए किसमें आया क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है। तो शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित आपका शिल्प शास्त्र ही होगा ना जी। फिर देखिए, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित करी गई थी, कुशीनगर, मदुरै, पाटलिपुत्र या वल्लभी। तो पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित हुई थी, ये आपका पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। किसके समय में ये आयोजित हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आयोजित हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य
जो जैन धर्म अपना लेता है और संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग देता है। और कब आयोजित हुई थी? 300 ईसा पूर्व के समय, ठीक है, 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, चौथी शताब्दी, बेसिकली कहीं कहीं पे चौथी शताब्दी लिखा रहता है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी स्थूलभद्र ने, स्थूलभद्र, ठीक है। और आपका जो दूसरी थी जैन परिषद थी, यानी दूसरा जो जैन संगति थी, वो कहाँ आयोजित हुई थी? ये आपका वल्लभी में आयोजित हुई थी, दूसरी वाली। और इतिका नाम इसको कब आयोजन किया गया था? इसको 512 ईस्वी में, करीब 800 साल बाद, 512 ईस्वी में आयोजित किया गया था, ठीक है। देवर्धि क्षमा श्रवण उस समय हुए थे। फिर देखिए 44वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है? आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेद व्यास के द्वारा कौन सा लिखा हुआ है? आपका महाभारत। फिर 45वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? ज्योतिष, व्याकरण, विज्ञान या अंकगणित? तो पाणिनि के ने जो बुक लिखी है उसका विषय क्या था? उसका विषय था, इसका नाम है व्याकरण था। अष्टाध्यायी पुस्तक व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है, व्याकरण के ऊपर लिखी हुई पुस्तक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? कम से कम इतिका नाम जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने, आरपीएफ सीजीएल का, सीजीएल में, सीएचएसएल में, जो आपका इतिका नाम कराया एमटीएस में, जीडी में, और आपका यूपीएसआई में, अभी जो प्रैक्टिस सेट करवाया था यूपीएसआई का प्राचीन इतिहास का, उनमें भी इन सारे एग्जाम में ये राष्ट्रकूट वंश से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। 2019 में जो पूछा हुआ है, दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापना करी थी, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मैंने बताया था मान्यखेत थी, ठीक है। इस तरीके से आप जब कई एग्जाम को देखते हैं ना, कई एग्जाम का सेट लगाते हैं, तो आप लोगों को ये पता होता है कि हाँ ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछ रहा है, तो हो सकता है मेरे एग्जाम में भी पूछ ले। इसलिए आपको हर एग्ज़ाम का जहाँ भी आपको सेट मिले वहाँ आपको, लेकिन मैं आरओ की तैयारी कर रहा हूँ, मगर मैं सारे एग्ज़ाम के सेट लगाता हूँ कि क्या पता कहाँ से क्वेश्चन फंस जाए। आप लोग कोई जानते तो है नहीं, मैं खुद आरओ की तैयारी कर रहा हूँ, मगर आप, मैं हर एग्ज़ाम का सेट लगाता हूँ, चाहे वो कांस्टेबल का सेट हो, भले ही मैं कांस्टेबल का पेपर नहीं दूंगा या कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरूंगा, मगर मैं इतिका नाम उसका पेपर ज़रूर लगाऊंगा। फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर, सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है, ठीक है। जो सिंह स्तंभ वाला है ये किसके द्वारा बनाया गया है? सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है। फिर 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कनिष्क आपके कुषाण वंश के इति महान राजा थे, ठीक है। इन्होंने गांधार कला और मथुरा कला का इति का नाम काफ़ी बढ़ाया। गांधार और मथुरा कला की जो मूर्तियाँ थी उन्हीं में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियाँ बनना शुरू हुई। फिर देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों के पैटर्नों को रखा गया है किस पैटर्न में? हड़प्पा सभ्यता के इति का नाम पैटर्न है, ये आपके रेक्टेंगुलर पैटर्न में है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रिड के पैटर्न में है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? हीनायान और महायान दो संप्रदायों इति किससे संबंधित है? ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो बौद्ध धर्म था ये आपका चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें आपका बट गया था हीनायान और महायान में। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोथल नाम का जो प्राचीन हड़प्पा स्थल है ये आपका गुजरात में स्थित है, और यहीं से आपका डॉकयार्ड मिला हुआ है। डॉकयार्ड आप लोग समझते हैं बंदरगाह। देखिए अगला 53वां नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों और कितने अंगी पथ पर आधारित है? तो बौद्ध धर्म की जो नींव है वो चार इति का नाम है, चार महान सच्चाइयों पर, यानी चार आर्यावृत सत्य और आठ जो इति का नाम है अष्टांगिक मार्ग हैं उनके ऊपर आधारित है। अष्टांगिक मार्गों और चार आर्यावर्त सत्यों, इनके बारे में मैंने थ्योरी में करवाया हुआ, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये आपके आठ इति का नाम है, क्या है आपके इति वो हैं अष्टांगिक मार्ग हैं और चार आर्य सत्य। ये सब थ्योरी में इति हुआ क्वेश्चन है, इनको ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको लोग यहाँ देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आपका पूछ रहा है, और अपना इवोल्यूशन भी कीजिए कि कितना क्वेश्चन यहाँ पे मेरा सही हो रहा है। जितना क्वेश्चन सही हो रहा है आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन बताइएगा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया? तो गौतम बुद्ध ने जनसाधारण की किस भाषा में प्रयोग किया था? आपका पाली भाषा में, ठीक है। अपने उपदेशों को देने के लिए संस्कृत में इतिका नाम उपदेश नहीं दिए थे,
आम लोग भी उन उद्देश्यों को समझ पाएँ, इसलिए आम लोगों की भाषा पाली में दिया था। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो ये आपके त्रिपिटक जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। फिर देखिए, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक या सुत्त पिटक? तो मैंने क्या बताया था अभी, भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किस में बताया गया है? विनय पिटक में बताया गया है, और ये आपका RRB NTPC में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखिए, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? जैन धर्म, सिख धर्म, हीनायान बौद्ध धर्म या महायान बौद्ध धर्म? अब बताइए, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया नहीं, ये हालांकि बोधिसत्व की अवधारणा तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, मगर आप लोग जो एकदम अच्छे से पढ़ा नहीं होगा वो कन्फ्यूज होगा, हीनायान है या महायान है, हीनायान है या महायान है? तो ये आपका महायान है, ठीक है। और जब आप थ्योरी वाली क्लास करेंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि हाँ किस स्तर का कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ठीक है, कंटेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो कौन सी जोड़ी असंगत है? ये आपका जैन धर्म उपनिषद वाली जोड़ी। जैन धर्म के जो इति का नाम है पवित्र पुस्तकें होती हैं उनको आगम कहा जाता है, न कि उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद तो हिंदू धर्म से संबंधित है। फिर देखिए 59वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये आपका कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति है। बाहुबली कौन थे? बाहुबली आपके ऋषभ देव के पुत्र थे, ठीक है। और इस मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, थोड़ा आप लोग पता करके बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली या बिहार? तो विक्रमशिला जो विद्यालय है ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका बिहार में स्थित है, ठीक है। विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल। नालंदा से आपके विद्वान निकलते थे और विक्रमशिला से आपके जो उस टाइम के ISPCS के अधिकारी हुआ करते थे वो निकला करते थे। RBF SI का क्वेश्चन है ये। फिर देखिए, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो अमरावती वास्तुकला है ये आपकी सातवाहन राजवंश की वास्तुकला है, ठीक है, सातवाहन वंश की। और जो सातवाहन शासक थे वो अपने आप को इक्ष्वाकु वंश कहा करते थे, राम भगवान से अपना नाता जोड़ा करते थे। आप RPF SI में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर देखिए 62वां नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? आपके राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। जो उपाली था ये क्या था? ये तो शिष्य था, ठीक है, उपाली शिष्य था। और आपका जो आनंद था ये आपका चचेरा भाई था, चचेरा भाई। और उपगुप्त कौन था? उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षा दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। जब 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ और अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो उस टाइम इतिका नाम बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। फिर 63वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? वाजपेय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ या राजसूय यज्ञ? तो अश्वमेघ यज्ञ जो है इसमें घोड़े की बलि दी जाती थी, ठीक है, घोड़ा इतिका नाम उसकी बलि दी जाती थी और जितने पंडित वंडित राजा वजा थे वो घोड़े का उस मांस का सेवन किया करते थे वैदिक काल में। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इस्लाम धर्म? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो इतिका नाम बगैर कपड़ा के रहते, नंगा बाबा बन के, और श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़ा धारण करते थे। दिगंबरों का गुरु कौन था? दिगंबरों का गुरु थे भद्रबाहु। और श्वेतांबर के गुरु कौन थे? श्वेतांबर के गुरु थे स्थूलभद्र। फिर 65वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन या वेदांत दर्शन? तो जो आपका न्याय दर्शन है ये आपका तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है, ठीक है। आइए एक एक दर्शन जो है उनके बारे में देख लेते हैं। सांख्य दर्शन जो है इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक कपिल मुनि है। मैं इतनी घाई घाई में जल्दीबाजी में अपना इति का नाम मैं थ्योरी वाले पोर्शन में करवा नहीं पाया था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि है। योग दर्शन आपका पतंजलि के द्वारा दिया हुआ है, जिनके नाम पे इति का नाम एट ठग इतनी पूरा पैसा छाप करोड़पति बन गया। न्याय दर्शन कौन दिया है? न्याय दर्शन गौतम दिए हैं, ऋषि गौतम के द्वारा दिया हुआ दर्शन है। और इन दर्शनों से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर आपका इसी तरीके से पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने दिया था,
ये जो मैं जो बच्चे में मेरी थ्योरी की क्लास अटेंड किए हैं वो अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। नोट्स इस तरीके से बनाइए कि आपका इंटीग्रेटेड तरीके से हर एग्ज़ाम में काम आए। ये नहीं कि आप इतनी ऐसा ज़रूरी नहीं कि MTS का नोट्स बनाएंगे तो UPSI के लिए काम नहीं आएगा, UPSI के लिए पढ़ेंगे तो MTS में फेल हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। GS सब में एक ही जैसा पूछेगा। फिर देखिए आपका 66वां नंबर क्वेश्चन, 66वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन थे। किसके समकालीन थे चीनी यात्री ह्वेनसांग? ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। हर्षवर्धन भारत में कब से कब तक आया था? 629 से लेकर आपका 645 ईस्वी तक भारत में रहा था, ठीक है। और ये अगर ये हर्षवर्धन के दरबार की केवल बात करें कि हर्षवर्धन के दरबार में कब आया था, तो ये 636 ईस्वी में आया हुआ था, 636 ईस्वी में। फिर देखिए 67वां नंबर क्वेश्चन, सित्तानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म? तो ये किससे संबंधित है? ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। सित्तावसान की गुफाएं जैन धर्म से, और कहाँ पर ये? ये आपकी गुफाएं तमिलनाडु में पड़ती हैं, तमिलनाडु। RBFSI का क्वेश्चन है। 68वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क? तो तृतीय बौद्ध संगति थी ये आपका अशोक के द्वारा आयोजन करी गई थी। देखिए बौद्ध संगतियों को याद करने का इतिका नंबर ट्रिक मैं बताता हूँ। इसका ट्रिक है AKAK, ठीक है। आपको केवल कितना क्या याद रखना, AKAK। ए का मतलब पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? अजात शत्रु के समय हुई थी। अजात शत्रु के समय में कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, जिस वर्ष थी उनकी मृत्यु हुई थी। अजात शत्रु के समय में राजगिरी में हुई थी। फिर उसके बाद दूसरी बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? काकमोड़ या काला शोक, इसको काला शोक भी कहा जाता है, काला शोक या काकमोड़ के नाम से भी जाना जाता है, करीब 250 ईसा पूर्व में हुई थी, मोगली पुत्र तिस्स के समय में। तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति हुई थी आपका अशोक के समय में, अशोक के टाइम पे हुई थी। फिर आपका के, ये आपका कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। इस तरीके से हमारी सारी बौद्ध संगतियाँ यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। फिर देखिए 69वां नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धम्मेक यहाँ पे लिख दिया है, धम्मेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? और ये आपका RPFSI का क्वेश्चन है, RPFSI का क्वेश्चन। तो जो धम्मेक स्तूप है ये आपका किसके द्वारा निर्माण किया गया था? ये आपका मौर्य वंश के द्वारा निर्माण किया गया था। फिर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण कई शासकों के द्वारा कराया गया था, मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो मौर्य वंश के शासनकाल के समय इसको उत्तरापथ कहा जाता था। इसीलिए जब क्या नाम है कन्नौज और बंगाल वगैरह जो राजा जीत लेता था वो उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करता था। जैसे आपका कृष्ण प्रथम ने धारण करी थी, धर्मपाल ने धारण करी थी, ये लोग उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करते थे। क्यों? क्योंकि जो ऐतिहासिक ग्रैंड रोड है जिसको शेरशाह सूरी ने टीका नाम अच्छे से पूर्ण निर्माण करवाया था, उसको शेरशाह सूरी ने क्या कहता था? शेरशाह सूरी ने इस सड़क को नाम रखा था सड़क ए आजम। और ये आपका लाहौर से लेकर बंगाल में बंगाल तक जाती थी। फिर देखिए 71वां नंबर क्वेश्चन, किसने धर्म विजय यानी धार्मिकता के द्वारा विजय की नीति विकसित करी थी? धर्म घोष की नीति किसने अपनाई थी? अशोक ने अपनाई थी कलिंग युद्ध के बाद, 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग युद्ध हुआ था उस समय। फिर देखिए 72वां नंबर क्वेश्चन, 72वां, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व, अशोक के जो राज्याभिषेक हुआ था उसके 9वें वर्ष। RRB ग्रुप D का क्वेश्चन है ये, सम्राट अशोक ने पत्थरों के स्तंभ और पत्थरों के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो कुल 14 अभिलेख हैं। फिर देखिए 74वां नंबर क्वेश्चन, हरियक वंश का संस्थापक कौन था? हरियक वंश का संस्थापक बिंबिसार, बताया था मैंने, RPF कांस्टेबल का क्वेश्चन है। 75वां नंबर क्वेश्चन देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? प्रतिहार, सेन, पाल या राष्ट्रकूट? तो सबसे लंबे समय तक आपका इति कौन था इनमें से? सबसे लंबे समय तक था आपका ये पाल वंश, ठीक है। पाल वंश जो था ये आपका सबसे लंबे समय, और इसका इति पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी से लेकर, ये कब तक था? 750 ईस्वी से लेकर 1174 तक, ठीक है। सबसे लंबा शासनकाल इसी का था।
फिर देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, सातवाहनों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? सातवाहन सिक्के तांबा और चांदी का जो मिश्रण करके सिक्का बनाते थे उसको पोटीन कहा जाता था, और इन्होंने कांच के सिक्कों को भी चलाया था सातवाहन शासकों ने, सर्वप्रथम कांच के सिक्के। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? समाहर्ता, बोधि सत्व, राजुकास या धम्म महामात्र? तो किन की नियुक्ति करी थी? धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी थी अपने शासन के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष। RPFSI में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, मौर्य वंश या राष्ट्रकूट वंश? तो मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। मौर्य वंश के आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इन तीनों के का शासन किसने देखा था? कौटिल्य ने देखा था। कौटिल्य का जो नाती था राधागुप्त, उस वो अशोक का मंत्री हुआ करता था, अमात्य हुआ करता था। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जिससे जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो कलिंग आपका आधुनिक उड़ीसा को माना जाता है, ठीक है। आधुनिक उड़ीसा जो थे उसको कलिंग कहा जाता है। फिर अगला देखिए, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? तो शासकों के चित्र वाले सिक्के किसने जारी किए थे? ये आपका सातवाहन शासकों ने जारी करे थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? सातवाहन शासकों की राजधानी थी का नाम है कहाँ थी? अरे यार इसका नाम याद नहीं आ रहा है। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। और इनका संस्थापक कौन था सातवाहनों का संस्थापक, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने करी थी, सिमुक ने, ठीक है। इनके बारे में जानकारी आपको मत्स्य पुराण में मिलती है, मत्स्य पुराण में इनके बारे में जानकारी मिलती है सातवाहन शासकों के। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला कौन है? आर्यभट्ट है, ठीक है। इन्होंने आर्यभट्टी नामक एक पुस्तक लिखी और आर्यभट्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय का बताया था, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। और आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो नटराज की जो इतिका नम शिव जी की प्रतिमा है जो विनाश को दर्शाते हुए इतनी बनाई गई है, ये आपका चोल राजवंश से संबंधित है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तमिल साहित्य का महाकाव्य कौन सा है? मैंने थ्योरी में बताया था शिल्पाधिकारम है, कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है RPF की। हड़प्पा वासियों के द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन सामग्री का निर्माण उपयोग किया गया था? चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर, तप्त मिट्टी की ईंटें या धूप में सुखाई ईंटें? तो धूप में सुखाई ईंटें तो कच्ची ईंटें होती हैं, हड़प्पा सभ्यता वाले पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, तप्त मिट्टी की ईंटों का। निम्नलिखित में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? आर्यभट्ट, पतंजलि, पढ़नी या धन्वंतरी? तो धन्वंतरी जो है ये आपके किसके देवता माने जाते हैं? आपके औषधि के देवता माने जाते हैं। किसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये? RPF कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर 86वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वो पहले किसके सामंत था? विजयालय जो था ये आपका किसका सामंत हुआ करता था? विजयालय जो था ये आपका पल्लवों का सामंत हुआ करता था, जो पल्लव शासक थे उनका सामंत हुआ करता था। फिर 87 नंबर क्वेश्चन, रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ बताई गई है? तो ये आपका RPFSI में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए आपका कहाँ बताई गई है? ये आपका एलोरा की गुफाओं में दर्शाया गया है। फिर देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? हाथी गुम्फा अभिलेख ये आपका खारवेल उड़ीसा में पड़ता है, खारवेल के द्वारा इतिका नाम उत्कीर्ण करवाया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मैंने बताया था थ्योरी वाले में द्वार समुद्रम थी, होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्रम। और होयसल वंश की स्थापना किसने करी थी? नृप काम द्वितीय इसने इतिका नाम होयसल साम्राज्य की स्थापना करी थी। फिर देखिए, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश का प्रख्यात शासक था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से ही जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और इसके बीच में 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ और हर्षवर्धन हार गया। उसके बाद नर्मदा नदी के जो उत्तर वाला क्षेत्र था वो संधि हुई और नर्मदा नदी के उत्तर वाला क्षेत्र हर्षवर्धन के कब्जे में रहने लगा, और इतिका नाम नर्मदा नदी के दक्षिण वाला जो क्षेत्र था वो पुलकेशिन द्वितीय के कब्जे में रहने लगा। मगर इसको नरसिंह द्वितीय ने हरा दिया था, नरसिंह द्वितीय इसको हरा के इसकी हत्या कर देता है, ये भी मैंने थ्योरी में बताया हुआ है। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त करी थी?
करिकल, महेंद्र, राजराज या विक्रम? तो राजराज ने मालदीव के ऊपर विजय प्राप्त करी थी, चोल राजा था ये। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था और कांचीपुरम उसकी राजधानी हुआ करती थी? ये आपका कांचीपुरम राजधानी किनकी हुआ करती थी? पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। फिर 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी का, किस वंश ने मदुरा के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त करी? तो मदुरा किसकी राजधानी थी, ये भी मैंने थ्योरी में बताया हुआ, पांड्यों की राजधानी थी, ठीक है। फिर 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में हाइड स्पीच की लड़ाई लड़ी गई थी? 234 ईसा पूर्व, 423 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 167 ईसा पूर्व? तो ये आपका 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। किनके बीच में? सिकंदर व पोरस के बीच में लड़ी गई थी। किस नदी के किनारे? तो ये आपका झेलम, झेलम नदी के किनारे। झेलम का पुराना नाम क्या है? झेलम का पुराना नाम वितस्ता है, मैंने बताया था ना, वितस्ता। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आप लोगों को ठिकाना में अच्छा लगे कंटेंट तो। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम, विमान, घर या अंतरिक्ष? तो जो प्रवेश द्वार है उनको गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित है? मुंडकोपनिषद में, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये पल्लव वंश का शासक था और काफ़ी प्रतापी शासक था, और इसने जो महाबलीपुरम के मंदिरों के साथ साथ आपके शोर मंदिर, ठीक है, शोर मंदिर, इनका भी निर्माण करवाया था। SHORE शोर वाले, वो शोर है, ठीक है, शोर मंदिर। और जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका भी निर्माण करवाया था इसने, कैलाशनाथ मंदिर। फिर देखिए, वास्तुकला में पंचायतन शैली किस शब्द से संबंधित है? तो पंचायतन शैली जो है वो मंदिर निर्माण से संबंधित है, ठीक है। पंचायतन शैली के इति का नाम है, वो जनक कौन कौन थे, ये आपका इति का नाम चालुक्य चंदेल जो हुआ करते थे वो इसकी जनक हुआ करते थे। जो पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर हैं, इनमें आपका सबसे फेमस मंदिर है खजुराहो, खजुराहो, और आपका कंदरिया महादेव मंदिर है, कंदरिया महादेव, और आपका कौन सा मंदिर है, एक लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, और आपका लिंगराज मंदिर है। इसी तरीके से कई मंदिर हैं। बेसिकली जो पंचायतन शैली होती है उसमें ये होता है कि जो मेन मंदिर होता है, मेन दरबार, वो यहाँ पर होता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ यहाँ पर 1, 2, 3, 4 छोटे छोटे मंदिर होते हैं, ठीक है, इसी को पंचायतन शैली कहा जाता है। फिर 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, RRB NTPC का क्वेश्चन है ये, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? जयपुर के जयसिंह प्रथम ने, जयपुर के ही जयसिंह द्वितीय ने, राम सिंह प्रथम या बिशन सिंह? और देखिए, कई लोगों को तो पता होगा कि जयपुर के जयसिंह ने ही करवाया था, मगर प्रथम ने करवाया था या द्वितीय ने करवाया था, इसमें आप लोग कन्फ्यूज होंगे। तो इसको द्वितीय ने करवाया था, जयपुर के जो जयसिंह द्वितीय थे उन्होंने करवाया था। और इन्होंने न केवल दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, बल्कि आपका वाराणसी में भी निर्माण करवाया था। वाराणसी में भी एक नक्षत्रशाला बनवाई थी, और आपका मथुरा में भी बनवाई थी। मथुरा के अलावा इन्होंने उज्जैन में भी एक नक्षत्रशाला बनवाई थी, ठीक है, और जयपुर में तो इनका शासन था ही। फिर देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो गंगईकोंड की उपाधि किसने धारण करी थी? आपका राजेंद्र चोल प्रथम ने। इसने क्यों धारण करी थी? क्योंकि जो पाल वंश का शासक महिपाल था उसके खिलाफ इसने उत्तर में अभियान छेड़ा और पाल वंश के शासक महिपाल को हरा दिया था, और उसके महिपाल को पैदल सर के ऊपर गंगा लेकर आने के लिए मजबूर कर दिया था। जो वहाँ के राजा थे, जो छोटे छोटे राजा थे, उनको पैदल वहाँ से गंगा जी ढुलवा के लेकर आया था, और जो इनकी राजधानी थी गंगईकोंड चोलापुरम, वहाँ पर इत्ती का नाम एक तालाब खुदवाया और उसमें इत्ती का नाम उस पानी को भरवाया था। इसीलिए इसको कहा जाता है कि राजेंद्र प्रथम दक्षिण भारत का भागीरथ, इसको दक्षिण भारत का भागीरथ भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। फिर देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? तो श्रवण बेलगोला में ही आपका इति का नाम किनकी मूर्ति है? ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली की मूर्ति है, जो बाहुबली हैं उनकी मूर्ति वहीं पर स्थित है। बाहुबली की मूर्ति कौन बनवाया था ये आप लोग बताइए। सर, ये पीछे क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, RRB NTPC का क्वेश्चन है ये। फिर देखिए, 102 नंबर क्वेश्चन, गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? तो गांधार कला के जनक कौन थे? कुषाण थे। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण मैंने बताया था ना अभी, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया है। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम की मंदिर है, इनका निर्माण किसने कराया था? चोलों के द्वारा, चालुक्य के द्वारा, पांडवों के द्वारा या पल्लवों के द्वारा? तो इसका निर्माण करवाया गया था पल्लवों के द्वारा। पल्लव शासक जो थे उन्होंने तमिलनाडु के महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण करवाया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चेल शासकों ने, चोर शासकों ने, पांड्य शासकों ने या राष्ट्रकूट शासकों ने? तो राष्ट्रकूट शासकों ने। और जो एलोरा के मंदिर हैं, इनको 1983 में आपका किसमें शामिल किया गया था? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कराया गया था। जो कैलाश, एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसको किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम, ये राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम, और इसने कन्नौज के ऊपर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें भाग लिया था और कन्नौज को जीत भी लिया था। और कन्नौज को जीतने के बाद कृष्ण प्रथम ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करी थी। मैं आपको दोबारा दोहरा दूं, मेरा नाम तेज प्रताप है। कई घोंचू ऐसे हैं जो इतिका नाम नमक 50 सकर कमेंट करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है? ये आपकी एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं, ये आपका बुद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? हर्षचरित को किसने लिखा था? हर्षचरित को लिखा था बाणभट्ट ने, ठीक है। और कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी? कालिदास ने 2 रचनाएं लिखी। पहला आपका लिखी थी कुमार संभवम, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है कुमार संभवम से। ये आपके महाकाव्य है, पहला महाकाव्य कुमार संभवम है। दूसरा महाकाव्य कौन सा है? आपका रघुवंशम है, रघुवंशम। और ये महाकाव्य हैं, मैं आपको कई बार क्लियर कर रहा हूँ कि ये महाकाव्य हैं, ठीक है। और इनके द्वारा कई नाटक लिखे गए थे, जैसे ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमावर्चियम। ये आपको जब मैं बुक्स एंड ऑथर कराऊंगा, स्टैटिक जीके वाला पार्ट, उसमें मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? तो ये आपका भरत मुनि ने किया है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र का संकलन किया है। और देखिए इसको यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं, आपका आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। जितना आपका सही हुआ उसको आप लोग कमेंट कीजिए, और मैं आपको दोबारा से दोहराऊंगा, अगर आपका नंबर अच्छा बन रहा है यूपी कांस्टेबल में, तो आप लोग पाटीदार से या किसी भी किस्म के दुश्मन से, चाहे आपको घर वालों से, किसी भी वाद विवाद में उलझिए मत, अपने फिजिकल के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो यूपी का अरे एमटीएस जीडी और एमटीएस के लिए और जीडी के लिए मैं थ्योरी की क्लासेस करवा रहा हूँ, उन थ्योरी की क्लासेस में आपका प्राचीन इतिहास ख़त्म हो चुका है, और आप लोग बताइए मुझसे क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं उस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।